आदित्य सचदेव हत्याकांड में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा आरोपी रॉकी देर रात गिरफ्तार। पिता बिंदी के हॉट मिक्स प्लांट में छिपा था रॉकी। आदित्य हत्याकांड में आदित्य हत्याकांड में 3 दिन से रॉकी की तलाश में थी गया पुलिस। रॉकी के पिता बिंदी यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की खोखली दलील, कहा वारदात की रात गया में नहीं था बेटा रॉकी, जेएनयू का छात्र है आरोप। रोडरेज की घटना में छात्र आदित्य की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने गया में बुलाया बंद, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पटना में भी प्रदर्शन। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश बताएं बिहार में कैसे बिगड़ी कानून व्यवस्था, विधायक बेटे को जेडीयू से निलंबित करने से खफा है तस्लीमुद्दीन। दिल्ली से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध साजिद के मोबाइल से बड़ा खुलासा, मसूद अजहर के भाई को मैसेज भेजकर पाकिस्तान जाने का था प्लान, फोन रिकॉर्ड से मिले पाकिस्तानी नंबर। दिल्ली पुलिस ने सशर्त 10 जैश संदिग्धों को छोड़ा, 13 संदिग्धों की हुई गिरफ्तारी। टैंकर घोटाले को लेकर बीजेपी का दिल्ली में जल निगम बोर्ड के मुख्यालय पर प्रदर्शन, 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में निकाली साइकिल रैली, चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में अभी से भरा जोश। त्रिवेंद्रम में चुनावी रैली में भावुक हुई सोनिया, कहा हिंदुस्तान से मेरा प्यार नहीं छीन सकते पीएम, भारत मेरा घर है, यही आखिरी सांस लूंगी। सोनिया गांधी ने कहा मैं भारतीय हूं और मरने के बाद मेरी अस्थियां भी यहीं की मिट्टी में मिल जाएं। सोनिया ने कहा पीएम मोदी मेरी ईमानदारी को नहीं समझ सकते, मोदी और आरएसएस मुझ पर हमेशा हमला बोलते रहे। सोनिया बोली इटली में मेरा परिवार, मेरी 93 साल की बूढ़ी माँ और मुझे इसे लेकर शर्मिंदगी नहीं। उत्तराखंड में बागियों को तगड़ा झटका, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, बागी 9 कांग्रेस विधायक नहीं डाल सकेंगे आज वोट। उत्तराखंड में आज होगा विधानसभा में हरीश रावत सरकार की अग्नि परीक्षा, बागियों के बाहर होने से हरीश रावत को राहत। देहरादून में शाम 4 बजे से धारा 144 लागू, आज विधानसभा में मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रोक, शक्ति परीक्षण से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने हरिद्वार में की पूजा। घाटी में सैनिक कॉलोनी की योजना पर घमासान, उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्रालय की चिट्ठी का किया खुलासा, महबूबा सरकार की नियत पर उठाए सवाल। महबूबा सरकार का दावा सैनिकों को आवासीय परियोजना में भूमि आवंटित नहीं की गई और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना। अमित शाह ने सार्वजनिक की पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्री और मार्कशीट, पीएम ने डीयू से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। अमित शाह ने केजरीवाल पर सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराने का आरोप लगाया, कहा सबूत नहीं होने पर भी भ्रम फैलाने पर माफी मांगे केजरीवाल। पीएम की शैक्षणिक योग्यता पर सफाई देने को अमित शाह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस पर बहती गंगा में हाथ धोने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने डिग्रियों को बताया फर्जी, कहा जालसाजी के लिए भी चाहिए अक्ल, 1977 की मार्कशीट जबकि डिग्री 1978। आप नेता आशुतोष का आरोप, बीए और एमए की डिग्रियों में पीएम मोदी के नाम में अंतर, कहा अगर नाम बदलवाया तो दिखाएं हलफनामा। राहुल गांधी को मेरी जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेताओं की गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। कांग्रेस के मुताबिक पुदुचेरी प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेता नारायण स्वामी को मिला खत, गुड़गांव में सरकारी कोठी पर घमासान, घर पर ज्वाइंट कमिश्नर और एसडीओ ने साथ साथ किया दावा, पुलिस और हुड्डा अधिकारियों के बीच हाथापाई। कर्नाटक में 23,000 पक्षियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि, सरकार ने जारी किया अलर्ट। बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद नीतीश का राजस्थान और महाराष्ट्र में शराबबंदी की मुहिम से जुड़ने का ऐलान, इसी मुद्दे पर आज झारखंड और यूपी का दौरा। आंध्र प्रदेश सरकार प्रस्तावित नई राजधानी अमरावती के सरकारी भवनों के निर्माण में जापानी कंपनी की लेगी मदद।
विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त सांसदों की गैर मौजूदगी पर लोकसभा स्पीकर ने जताई नाराजगी, कहा यह गलत प्रथा। अगस्ता मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी से सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ, सीबीआई ने जानना चाहा बैंक अकाउंट में कहां से आया विदेशी फंड। पत्रकार पूजा तिवारी मौत की जांच एसआईटी के जिम्मे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का अहम फैसला। 2000 सीसी की डीजल गाड़ियों पर दिल्ली में रोक बरकरार, डीजल टैक्सियों पर बैन के विरोध में आज भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किडनैपिंग के मामले में वैशाली के सांसद रामा सिंह को सरेंडर करने का दिया निर्देश, 4 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट में हो पेश। जयपुर पुलिस ने ठगी के 7 लाख रुपए समेत दबोची दो महिला शातिर ठग, एक नायब तहसीलदार को सीडी का डर दिखाकर कर रही थी ब्लैकमेल। लोगों से फोन पर प्यार भरी बातें रिकॉर्ड करके ऐंठती थी पैसा, महिलाओं का दावा उनके पास राजस्थान के सचिवालय अधिकारियों की भी है रिकॉर्डिंग। लुधियाना में दर्जन भर बदमाशों ने फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे पर किया धारदार हथियारों से हमला, जख्मी फैक्ट्री मालिक निजी अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत के सहरामऊ के निजामपुर गांव में घुसा भालू, घंटों की मशक्कत के बाद भालू को पेड़ से नहीं उतार पाई वन विभाग की टीम। जलंधर शहर के एक पार्किंग में खड़ी कार में लगी भयानक आग, दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। नवी मुंबई के फेमस बिल्डर राजकंदारी ने की आत्महत्या की कोशिश, अपने घर में खुद पर चलाई गोली, एमजीएम अस्पताल में भर्ती बिल्डर राज। पुणे में एफआईआर के बाद राणा डे इंस्टीट्यूट को भेजा गया डेटोनेटर वाला पार्सल, इंस्टीट्यूट के एचओडी ने लिखाई एफआईआर। यूपी में बांदा के बडेरा गांव में किसान की सदमे से मौत, फसल की पैदावार कम होने से तनाव में था किसान अमर सिंह। दिल्ली के रानीबाग इलाके में खुले नाले में गिरे दो बच्चे, स्थानीय लोगों ने 13 साल के बच्चे को बचाया, 5 साल का बच्चा लापता। शिप्रा नदी में बहा सिंहस्थ के शाही स्नान में डुबकी लगाने गया युवक, गोताखोरों ने डूबते युवक को सुरक्षित बचाया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में लगा मर्करी ट्रांजिट, देखने वालों का तांता, सैकड़ों लोग बने दुर्लभ खगोलीय घटना के गवाह। देशभर में लोगों ने देखा मर्करी ट्रांजिट, जगह जगह पर लगाई गई दूरबीन, साइंस के स्टूडेंट्स ने ली खास दिलचस्पी। जोधपुर में सारथी ट्रस्ट ने निरस्त कराए कई बच्चियों के बाल विवाह, बालिका वधु की पढ़ाई लिखाई में मदद करती है संस्था। पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में बिजली के लिए सड़क पर उतरे लोग, मिदनापुर लालगढ़ रोड पर लगाया जाम। आसनसोल में सीसीटीवी में कैद हुआ मोबाइल चोरी करता हुआ केंद्रीय बल का जवान, दुकान मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के द्वारका में पकड़ा गया फर्जी पुलिस अधिकारी, खुद को आईपीएस बताकर करता था ठग। मथुरा के नीम गांव में ग्रामीणों ने पीट पीट कर ली दो बाइक सवार लोगों की जान, पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ से लूट कर लौट रहे थे बाइक सवार। राजस्थान के सवाई माधोपुर के महू गांव में विवाहिता के साथ गैंगरेप, पीड़िता गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश की बैतूल पुलिस ने समाज सेवी आलोक सागर को राजनीतिक दबाव में दी जेल में डालने की धमकी, आदिवासी हितों के लिए काम करते हैं आलोक सागर, दिल्ली आईआईटी में रह चुके हैं प्रोफेसर। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बस अड्डे पर मिला लावारिस सूटकेस, बम होने की खबर के बाद मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। पुरुलिया के रघुनाथपुर में एक घर में रखे पटाखों में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पुरुलिया में सीमेंट से लदे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कैमूर में दहेज के लिए पति से प्रताड़ित महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार, महिला का पति परिवहन विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात। अलवर में टायर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक। अलवर में बीती रात अज्ञात लोगों ने शराब के ठेके में लगाई आग, 3 दिन से ठेके का हो रहा था विरोध, महिलाओं ने की थी जमकर तोड़फोड़। फतेहपुर में नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप, गांव के ही दो युवकों पर लगा आरोप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या की, पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नशे की हालत में किया हमला। फरुखाबाद में पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान घायल लेडी डॉन वीरा जाटव ने अस्पताल में तोड़ा दम, कानपुर में चल रहा था इलाज। बांदा में कॉलेज के हॉस्टल में खुदकुशी करने वाली छात्रा सौम्या राजपूत के शव का पोस्टमार्टम, कॉल डिटेल खंगालने में जुटी पुलिस। अजमेर में साइकिल रिक्शा पर नजर आए प्रदेश के शिक्षा मंत्री वसुदेव देवनानी, बच्चों को बिठाकर रिक्शा चलाते दिखे।
मुरादाबाद में लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। होटल पर छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, एक नाइजीरियाई भी शामिल। बीकानेर में 2 मई को एक पहलवान की हुई हत्या में 3 लोग गिरफ्तार, आपसी विवाद में हुई थी हत्या। चित्रकूट में इनामी डाकू गोपा यादव का आतंक, औदहा गांव के 3 युवकों को मारी गोली, 1,00,000 कैश लूटकर फरार। धौलपुर में एक साथ 6 घरों में आग लगने से अफरा तफरी, लोगों का लाखों का सामान जलकर खाक। एटा में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या, शव को खेत में फेंककर फरार हुए दरिंदे।